करनाल के सेक्टर 9 स्थित पंजाबी धर्मशाला में खेल और खिलाड़ियों के लिए समर्पित संस्था क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित वीर माता जीजाबाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें करनाल के सांसद संजय भाटिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि खेलों से हमें अनुशासन प्रिय जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए खेलों का हमारे जीवन में अहम योगदान है। प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी खेल के साथ अवश्य जुड़े रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नीति बनाई है, जिससे खिलाड़ियों को रुझान खेलों के प्रति और बढ़ रहा है। खेलों से ही व्यक्तित्व का विकास होता है तथा शरीर भी स्वस्थ रहता है और समस्त शरीर के साथ साथ बुद्धि का भी विकास खेलों के जरिए होता है। उन्होंने संस्था के बारे में कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों की माताओं को खिलाड़ियों के साथ सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि खेल हो या पढ़ाई हो या कारोबार हो या राजनीति सहित कोई भी क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में सफलता बगैर माँ बाप के आशीर्वाद के बिना नहीं मिलती है। इस अवसर पर संस्था के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय संयोजक दलपत सिंह कादियान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार द्वारा पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है। सरकार ने खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते को भी दोगुना कर दिया है और बहुत सी सुविधाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि संस्था क्रीड़ा भारती खिलाड़ियों के साथ साथ उनकी माताओं को भी पूरा मान सम्मान देती है। राजमाता जीजाबाई के बारे में बोलते हुए कहा कि वह एक योद्धा और सशक्त प्रशासक ही नहीं बल्कि एक वीर और आदर्श माता भी थी। उन्होंने अपने पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐसी परवरिश की और उनके अंदर ऐसे गुणों का संचार किया जिसकी वजह से वह एक वीर, महान, साहसी, निर्भीक योद्धा बने। समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक जीतने वाले 70 खिलाड़ियों और उनकी माताओं को सम्मानित किया गया। देखिए समाचार एक्सप्रेस की है एक खास रिपोर्ट। सम्मान एक विषय अलग हो सकता है, लेकिन कुल के क्रीड़ा भारती के बैनर के ऊपर एक कुल का डिबेट हो कि जो बच्चे जो और विदेशों में हम देखते हैं कि जो खेलने वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिलती है, सुविधाएं मिलती है, उस तरह का कंपटीशन देने के लिए, उन कंट्रीज के खिलाड़ियों को कंपटीशन देने के लिए। हालांकि हरियाणा जिस तरह सैनिकों का प्रदेश है उसी तरह खिलाड़ियों के प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। अगर हिंदुस्तान के अंदर अन्य क्षेत्रों से हम कंपेरिजन करेंगे तो हमारा हरियाणा खेलों के मामले में जितने भी मेडल आते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे हरियाणा प्रदेश के मोर देन 50 होते हैं। कंट्री के लेवल पे जितने भी आते हैं मोर देन 50 आते हैं। उसके लिए मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ, कर रहा हूँ कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है ना तो ही स्वस्थ मन का वास आपके शरीर में हो सकता है। अगर आप बीमार है, आप चलने फिरने में अस्वस्थ है, चार पाई पर पड़े हैं, तो स्वस्थ मन भी हमारे मन में नहीं हो सकता। कोई ना कोई डिप्रेशन, कुंठा, मन के अंदर परेशानी, स्ट्रेस, तनाव रहेगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि स्वस्थ शरीर, और स्वस्थ शरीर के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप खेलते हो, आप मेहनत करते हो, व्यायाम करते हो, और खेलों के विकास से ही व्यक्तित्व का विकास होता है। कोई भी आदमी स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे रहा हो, आप उसकी नॉलेज, उसकी बातचीत, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, स्ट्रेस, दुख, तकलीफ, सुख हर आदमी के जीवन में बराबर है। ऐसा नहीं कि हम राजनीति में हैं, हमें दुख का अनुभव नहीं होता या सुख का अनुभव नहीं होता। दुख सुख सबके जीवन में समान है, लेकिन दुख को हम किस नजरिए से लेते हैं। मेरे ऊपर मान लो कोई ऐसा कष्ट आ गया, मेरे ऊपर कोई मुकदमा हो गया या मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया या मुझे चोट लग गई, उस चीज को मैं कितनी पॉजिटिविटी से लेता हूं या नेगेटिविटी से लेता हूं, ये व्यक्ति के मन के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए अगर आपको अपने व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी को डेवलप करना है तो आपको कोई ना कोई खेल जरूर खेलना चाहिए। मेरे तो बच्चों से प्रेरणा लेते हुए आप सबको कहूंगा, मुझे भी मौका मिले, मेरे गली में, मेरे पार्क में अगर बच्चे खेल रहे होते हैं, आप हैरान होंगे, मेरी 50-52 साल की उम्र है, मैं उन बच्चों के साथ खुल के खेलता हूँ, आनंद करता हूँ। और हमारे लिए आज इस कार्यक्रम में मेरी माताओं का, विशेष रूप से मुझे भी अपनी माँ को याद करने का मौका आ गया। मैं कह रहा था कि मैं भी राजनीति में आज जो कुछ हूँ उसके दिए हुए विचार के कारण और अपने संगठन के कारण हूँ, जिसने मेरे अंदर संस्कार दिए, उसी के कारण ही मैं आप सब लोगों के आशीर्वाद से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में प्रतिनिधित्व कर सका। नहीं तो मेरे जैसे तो बड़ी लाखों की भीड़ है जो भीड़ में होते हैं, लेकिन आप सब लोगों का आशीर्वाद और मेरी माँ का आशीर्वाद और मेरे संगठन का
ने मुझे अवसर दिया, मैं आपके लोग के बीच में आकर कुछ बात भी रख रहा हूँ और काम भी करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे को माननीय दलपत जी जब मंच से सचिन है क्रीड़ा भारती के रणवीर जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता और विशेष रूप से माताएं और बच्चे बैठे हैं। आज नाम है हेलो क्रीड़ा भारती के तहत जिन माताओं ने अपने बच्चों के लिए मेहनत करके और उनको राष्ट्रीय स्तर पर पदक दिलवाए, ऐसी माताओं को जीजा भाई जो सम्मान एक हमने देने का ये कार्यक्रम था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों का खिलाड़ियों का सम्मान अनेक कार्यक्रमों में होता है लेकिन जो ताकत बच्चों को एक अच्छा खिलाड़ी बनाने में मेहनत करती है वो ताकत एक माँ होती है, आज उन माताओं का सम्मान। सर हरियाणा का बजट आ रहा है, आप सभी सांसदों से भी सुझाव लिए गए तो किस तरह का होगा हरियाणा? मैं समझता हूँ एक बड़ा बैलेंस्ड बजट होगा, पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के नाते से बजट प्रस्तुत करेंगे और सबसे बड़ी अच्छी बात जो मुझे लगी कि सारी परंपराओं को तोड़ते हुए उन्होंने प्रत्येक वर्ग किसान हो मजदूर हो व्यापारी हो शिक्षक हो महिला हो युवा हो जिनकी भी बजट के साथ जुड़ाव रहता है जिनकी भी जो अपेक्षाएं थी उनको समझकर और सबका समावेश मैं समझता हूँ कि बैलेंस्ड बजट पहली बार हरियाणा के अंदर। सर आपको पर्यवेक्षक बनाया गया है गुरुग्राम का, किस तरह की चीजों को ध्यान में रखा जाएगा जिला अध्यक्ष बनाते हैं? मैं समझता हूँ कि सभी पुराने कार्यकर्ता कुछ नए जुड़े हुए कार्यकर्ता सभी जिम्मेवार कार्यकर्ता जो भी हमारे वेलविशर संगठन है सबसे राय मशवरा करके और नीचे जो हमारा बूथ समितियों से चुनकर आए हुए मंडल अध्यक्ष है उनसे और पूर्व में जो मंडल अध्यक्ष रहे निरंतर जो टीम लगातार काम करती है उनसे राय मशवरा करके सर्वसम्मति से किसी को। सर करनाल की जो रेल परियोजना भी है आई है कि यमुनानगर तक और हवाई अड्डे दोनों अभी कब तक? देखो हवाई अड्डे का तो अभी तक मेरे को कोई जानकारी है नहीं, हवाई अड्डे का तो मुझे लगा वो प्रोजेक्ट उसी वक्त का सब है मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था। हाँ जी उन्होंने लिया, वो अपनी तरफ से परस्यू भी कर रहे हैं। हवाई अड्डे का अभी तक मेरे को नहीं आया कि क्या अपडेट है क्योंकि आप हर बार पत्रकार के नाते यही सवाल पूछते हैं हवाई अड्डे का, फिर पीछे भी जब हवाई अड्डा ये रुका था तो जगह की कमी के कारण आसपास जो थोड़ी सी जगह एक्सटेंशन के लिए चाहिए थी वो जगह मिली नहीं थी मेरे ख्याल उसी वजह से रुका था, तो अभी देखते हैं ये प्रोजेक्ट कैसे दोबारा। सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सरकार काम नहीं कर रही है और इस सरकार को गिराने की जरूरत नहीं है, खुद गिर जाएगी। अच्छा तो मैं समझता हूँ हुड्डा साहब जो काम आपने करे पिछले 10 सालों में जो लूट का शासन था आपका, गरीब किसान की जो जगह आपने कोड़ियों के भाव लेकर रात रात में CLU चेंज करके एक्विजिशन में डाल के जिस तरह से आपने वो सोने के दाम जो अपने व्यापारी मित्रों को दिलाए जो अपने बिल्डर मित्रों को दिलाए आपके कर्मों को देखकर सरकार ने आपको सही रिजल्ट लोगों ने आपको हरियाणा की जनता ने दिया तो और इस बार भी हरियाणा की जनता ने नकार दिया आपकी जो भेदभाव की और जो आप जात पात की और समाज को तोड़ने की सोच है वो समाज के सामने आ चुकी है। कम से कम हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हुड्डा साहब, आप अपना आत्मचिंतन करें कि आपने हरियाणा के साथ क्या किया क्योंकि हरियाणा के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं राजनीति में संत के रूप में काम करते हैं, हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात को लेकर सबको जोड़ने का प्रयास किया समान विकास किया। हुड्डा साहब के टाइम में तो क्षेत्र विशेष के अलावा पूरे हरियाणा में कहीं बाहर ही नहीं निकले लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी बिना भेदभाव के पहली ही किश्त 90 के 90 विधायकों को दी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि कौन बीजेपी का है कौन कांग्रेस का है कौन किस पार्टी का, सबके लिए एक समान नजर रखने वाले हमारे मुख्यमंत्री। दिल्ली चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई है, अब हरियाणा में भी जो मिशन तो पहले कई बार सक्रिय हो चुकी है आम आदमी पार्टी, फ्री में सब कुछ देना फ्री में आएगा कहाँ से, उनको तो सेंटर का पैसा मिलता है दिल्ली में तो सेंटर का पैसा आ रहा है ना फ्री का पैसा उनके पास आ रहा है ना, उनसे पूछो आपका रिवेन्यू कहाँ से जनरेट कर क्या है हरियाणा के अंदर, तो फिर अपना हमारा किसान मेहनत करता है हमारा इंडस्ट्री हमारा GDP के अंदर इतना जबरदस्त शेयरिंग है और डे बाय डे बढ़ रहा है यहाँ पर इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो ये तो खाली फ्री के हवाई देने, आप भी सोचो कि आपको कोई फ्री दे रहा है तो फ्री में कैसे दे रहा है, किसी ना किसी की जेब जरूर काट रहा है। एक आखिरी सवाल, प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, क्या जातिगत समीकरण को ध्यान में रख के ये चुनाव किया जाएगा? नहीं खाली एक ये मुद्दा नहीं होता, अपना कार्यकर्ता हो और अपना प्रमाणिक कार्यकर्ता हो और सब लोग जिस तरह से हमारे माननीय
केंद्र से प्रवेशक आए थे, माननीय मुरलीधर राव जी आए थे, सुनील देवधर जी आए थे, उन्होंने जैसे हम जिलों के अंदर जाके राय ले रहे हैं कार्यकर्ताओं की, उन्होंने भी प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं, सुने हुए जनप्रतिनिधि थे, सारे सांसद थे, विधायक थे, प्रमुख कार्यकर्ता, सबसे राय मशवरा करके वो भी एक अच्छा तक मिल जाएगा। मैं समझता हूँ ये तो केंद्र का फैसला तो केंद्र ही करेगा कब तक वो अनाउंस करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि हम ये जिलों का जो फीडबैक आएगा प्रदेश में देंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष साथ ही बने तो वो जिलों का भी। एसटी के विरोध में आज भारत बंद है, उस पर क्या करते हैं? मैं समझता हूँ कि अगर सही स्थिति को समझेंगे, हरियाणा ने हमेशा ऐसी समाज के पक्ष में अपना पक्ष कोर्ट के अंदर रखा है, लेकिन कोर्ट भी अपनी कई बातों का संज्ञान लेती है, कोर्ट अपनी टिप्पणी देती है, लेकिन सरकार ऐसी जो मांगे हैं उनके साथ खड़ी और हमेशा पक्ष उनका कोर्ट के अंदर रखा है और अभी रिव्यू पिटीशन भी डाली है सरकार। थैंक यू सर। क्रीड़ा भारती संस्था अखिल भारतीय संस्था है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम के संगठन के चलाए मार्गदर्शनों पर चलती है, ये अपनी चमड़ी और अपनी दमड़ी के आधार पर सारे देश के अंदर जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेते हैं उनकी माताओं को सम्मानित करने के लिए ये कार्यक्रम होते रहते हैं। ये आज करनाल में भी दूसरा कार्यक्रम है जो हुआ है, ये इस प्रकार के कार्यक्रम किसी भी संस्था के द्वारा नहीं चलाए जाते जो ये क्रीड़ा भारती संस्था इन कार्यक्रमों को करती है। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।